युवाओं में टैटू आर्ट काफ़ी ट्रेंड में है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज मैं हूँ द थर्ड आई टैटू स्टूडियो में और मेरे साथ है रेखा, जो आज हमसे टैटू के बारे में चर्चा करनी। हेलो मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आपका एक टैटू का इंटरेस्ट कैसे आया? मैं बचपन से पेंटिंग करती थी, तो मैंने पेंटिंग के मतलब मेरा जो कॉलेज है वो भी मैंने पेंटिंग का ही पूरा कोर्स किया हुआ है। और जब मैं कॉलेज में थी तब मेरा एक फ्रेंड था, वो टैटू आर्टिस्ट था, तो उसको देख के मुझे इंटरेस्ट आया टैटू में। फिर मैंने 2017 में टैटू की ट्रेनिंग के लिए पता किया और मैंने 2017 में ट्रेनिंग ली है टैटू की। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो पेंटिंग है और टैटू है वो दोनों एक ही चीज़ है, मतलब उसमें भी वो पूरा आर्ट ही बताना होता है और इसमें भी पूरा आर्ट है, इसलिए तो मुझे इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और फिर मैंने 2018 में ये स्टूडियो ओपन किया। आप टैटू बनाते हैं, आपके हिसाब से कौन सा टैटू सबसे अच्छा होता है, मतलब बनाने में जो आपको इजी लगता है या जो आपको ज़्यादा टफ लगता है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अभी तक तो मुझे टफ तो नहीं लगा क्योंकि ये मेरा पेंटिंग का काम है, मैंने आपको बताया था कि मैं बचपन से पेंटिंग करती हूँ, तो टैटू भी हमारा वैसा ही है पूरा आर्ट फील्ड वाला, तो पोर्ट्रेट टैटू हो गया, मतलब कुछ आर्टिस्ट के लिए है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। तो लाइन वर्क हो गया, पोर्ट्रेट वर्क हो गया, रियलिज्म टैटू हो गया, तो मुझे उतना डिफ़िकल्ट लगता नहीं है वर्क। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जो रेखा जी हैं वो टैटू कवर अप बहुत अच्छा करती हैं, ये मैंने देखा, तो आप उसके बारे में कुछ? टैटू कवर अप में थोड़ा सा मुश्किल आता है, वो डिपेंड करता है कि अगर किसी का बहुत बड़ा टैटू है तो फिर सोचना पड़ता है कि हम उसको कैसे कवर करें, उसको यही मतलब उसको कवर करना ही थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई छोटा टैटू है तो उसको ईजिली कवर कर सकते हैं दूसरे टैटू से, तो वो पुराना जो टैटू होता है वो नहीं दिखता है, बट बड़ा जो टैटू होता है उसको कवर करने के लिए और बड़ा करना पड़ता है। टैटू एक तो परमानेंट होता है और एक टेम्प्रेरी होता है, तो जहाँ तक मुझे पता है परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, टेम्प्रेरी मतलब कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए जो हम टैटू करते हैं उसमें हम जो इंक का यूज़ करते हैं वो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हार्मफुल होती है, तो उसके बारे में? मैम, जो पहले जो इंक यूज़ होती थी वो थोड़ी सी हार्मफुल होती थी, 15 days या 1 month के लिए वो टैटूज़ चलते थे, वो टैटू अब बंद हो गए हैं क्योंकि स्किन में रिएक्शंस ज़्यादा होते थे, बट अभी जो न्यू इंक आई है टेम्परेरी टैटू की वो 2 या 3 days के लिए ही टैटू होता है उसका, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है, तो वो इंक ज़्यादा केमिकल से नहीं बनी हुई है, नॉर्मल है, हमारे कलर्स जैसी इंक होती है तो वो जल्दी से निकल जाती है, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है। और अभी ये सारी इंक अभी सारे आर्टिस्ट यही यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी नीडल्स होती है, हम हर टैटू में अलग नीडल्स यूज़ करते हैं, किसी एक बंदे के लिए एक ही बार नीडल्स मतलब एक ही बार सेटअप लगाया जाता है, हर इंसान के लिए अलग अलग सेटअप का यूज़ किया जाता है, तो जो नीडल्स होती है वो फ्रेश होती है, हमारी सारी बॉटल्स इंक सब कवर्ड होती है, तो उसमें इन्फेक्शन का कोई चांसेस नहीं होता है। आप पियर्सिंग भी करती हैं, तो क्या है ये न्यू टेक्निक जो पियर्सिंग? मैम, अभी पहले क्या होता था, तार से होता था, वही चीज़ अभी न्यू आ गई है स्टूडियो में, बट इसमें क्या होता है मशीन्स का यूज़ होता है, गन पियर्सिंग होती है, नीडल पियर्सिंग होती है। जो नीडल पियर्सिंग होती है वो थोड़ी ईजी होती है, मतलब जो करवा रहे हैं क्लाइंट उनके लिए ईजी होता है क्योंकि उसमें पेन ज़्यादा नहीं होता है, बट जो गन वाली पियर्सिंग होती है उसमें बाद में पेन बहुत होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि आप नीडल वाली पियर्सिंग ही कराएं, तो अभी पियर्सिंग का ट्रेंड बहुत चल रहा है इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज़, जब जो लोग टैटू बनवाते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि भाई टैटू बनवाएंगे तो पेन होगा, तो ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर कम पेन होता है, या ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है जहाँ पर टैटू बनवाने में ज़्यादा पेन होता है? और जहाँ पर ज़्यादा बोन आती है वो एरिया पेनफुल होता है, जैसे हमारे हैंड, यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है और बोन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा रिब्स का एरिया हो गया, जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, बट जैसे फोरआर्म हो गया, जहाँ पे थोड़ी सी थिक स्किन आती है ना, वहाँ पे पेन बहुत कम होता है। और माइंडसेट भी है, जैसे क्लाइंट आते हैं तो बहुत डरे हुए भी होते हैं कभी कभी, तो उनको उनका माइंडसेट होता है कि बहुत बहुत पेन होता है, बट ऐसा नहीं होता है, इतना पेन नहीं होता, ईजिली टैटू करवा सकते हैं, तो उनका माइंडसेट करना ज़रूरी है। Thank you.
ये फोरआर्म वाला एरिया सबसे अच्छा होता है और फ्रंट एरिया सबसे अच्छा होता है हाथ का। बाकी यहाँ टैटू करवाते हैं तो वो सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं आता है बिल्कुल भी, यहाँ पे कलर नहीं आता है। तो जो अच्छा एरिया है हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप फोरआर्म पे बनवाओ, बैक पे बनवाओ, नेक पे भी बनवा सकते हैं और इस एरिया पे बनवा सकते हैं, ये एरिया सबसे अच्छा है जो दिखता है। फिलहाल में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सा टैटू डिज़ाइन चल रहा है? मैम अभी एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा चल रहा है, कलर स्प्लैश हो गए, जो जैसे कोई पोर्ट्रेट टैटू बना उसमें कलर स्प्लैश कराना, मतलब अभी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। कलर स्प्लैश हो गए, मंडाला टैटू हो गए, ज्योमेट्रिक टैटू हो गए और रियलिज्म टैटू का तो बहुत क्रेज़ है अभी, पोर्ट्रेट टैटू वगैरह का। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा टैटू होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो और जैसे कोई कस्टमर आ जाए तो आपके दिमाग में भी आ जाए यार ये क्यों बनवा रहे हैं, इसमें तो बहुत मेहनत लगी है? मैम अभी तक तो ऐसा टैटू मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि पोर्ट्रेट्स मेरे सारे क्लियर हैं। हाँ थोड़ा सा जो फुल स्लीव वाले टैटू आ जाते हैं, बहुत लंबे जो चलते हैं, मुझे कंटिन्यू 2 दिन करना पड़ता है उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं हम लोग करने में वर्क। परमानेंट मेकअप टाइप का कुछ एक चल रहा है तो उसके बारे में? मैम ये भी मशीन से ही होता है, ये परमानेंट आई कलर होता है, कुछ आईब्रोज होता है, ये सारे मशीन से ही होते हैं, मतलब यही इंक यूज़ होती है उसमें भी, तो वो परमानेंट होता है। बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है इसका, बट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो वो हार्मफुल है या नहीं, क्योंकि लिप्स पर तो कितना? नहीं मैम हार्मफुल नहीं है, वो नहीं है हार्मफुल, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे टैटू हमारी इस बॉडी पार्ट पे बन रहे हैं, फेसेस पे भी टैटू बनते हैं, तो वो एक टैटू का ही एरिया है जो आईब्रोज वगैरह आईलैशेस वगैरह पे बनते हैं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। आप ट्रेनिंग भी देती हैं टैटूज़ की, तो उसका? ट्रेनिंग मैम हम लोग अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं पेंटिंग और टैटू की, हमने पियर्सिंग का भी रखा हुआ है, तीनों चीज़ें हमने रखी हुई हैं, और पेंटिंग और टैटू दोनों का अलग अलग कोर्स है। टैटू का कोर्स हम लोग 1 ईयर तक कराते हैं और पेंटिंग का 2 ईयर तक कराते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना लंबा टाइम देंगे उतने ज़्यादा अच्छे से जो स्टूडेंट है वो वर्क कर सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है सिखाने का? हम बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं, पहले उनको लाइंस सर्कल्स खींचना फ्री हैंड, मतलब स्केल वगैरह का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, जितना काम फ्री हैंड होता है वो स्टार्ट कराते हैं। बेसिक स्टार्ट हो गया, फिर उसको शेडिंग्स, मतलब शेडिंग्स का नॉलेज देते हैं, फिर कलर्स पे आते हैं, फिर रियलिज्म टैटू जो होते हैं उस पे आते हैं। तो ये थी हमारे साथ रेखा जी, जिन्होंने टैटू के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, जिन्होंने पियर्सिंग के बारे में हमें बताया, और इनका बहुत अच्छा स्टूडियो है द थर्ड आई स्टूडियो, तो आप ज़रूर आइएगा। कैमरामैन अफजल के साथ सपना दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।